सभी को बताइए चैप्टर नंबर वन का नाम क्या बोलिएगा? कंप्यूटर का हिंदी नाम? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक। कौन वर्ड बोलिएगा? ओवर मतलब? ओवर मतलब व्यू मतलब कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के अधिक से अधिक जानना या देखना, उसी का नाम को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर ओवरव्यू। कौन वर्ड बोलिएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यार्थियों का आज फर्स्ट क्लास होगा, ये शुरुआत क्लास ही प्रारंभ किए हैं, जिस शुरुआत में बेसिक कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म बताए थे, जरा बताइए तो आप सभी को एक कंप्यूटर का कुछ फुल फॉर्म याद रहा? Yes, सबसे पहला वर्ड था सी। कौन वर्ड था? सी फोर सी फोर सी फोर ओ फोर ऑपरेटर। कौन वर्ड बोलिएगा? एम फोर एम फोर पी फोर पार्टिकुलर। कौन वर्ड बोलिएगा? यू फोर यूज्ड फोर। कौन वर्ड बोलिएगा? डी फोर ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड मतलब ई फोर एजुकेशन मतलब और आर फोर रिसर्च मतलब रिसर्च मतलब। एक बात याद रख लीजिए, ये जो फुल फॉर्म है ये पूरी तरीका से अभी तक कहीं कोई किताब में निश्चित नहीं किया गया। ये फुल फॉर्म आज के दुनिया में इंटरनेट का जमाना में लोग हर एक वर्ड का मतलब निकाल दिया, अलग अलग राइटर अपना अपना ओपिनियन दिया। सी फोर ओ फोर एम फोर पी फोर यू फोर टी फोर ई फोर आर फोर कॉमन मतलब समान, कॉमन मतलब समान, ऑपरेटर मतलब मशीन मतलब पार्टिकुलर मतलब खास या विशेष, यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग करना, यूज्ड फॉर मतलब ट्रेड मतलब एजुकेशन मतलब और रिसर्च मतलब। वह सामान्य यंत्र, क्या बोलिएगा? वह सामान्य यंत्र जिसका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है। वह सामान्य यंत्र जिसका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है किसी शिक्षा में व्यापार में या खोज में, शिक्षा में व्यापार में या खोज में। उस मशीन का नाम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर। कौन बोलिएगा? कंप्यूटर। कौन बोलिएगा? कंप्यूटर। अब सभी को ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी का आज फर्स्ट क्लास होगा, बहुत ज्यादा नहीं, कल एक बेसिक चीज केवल समझा दिए, एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखवाए थे जो भी लिखवा दिए, और बगल में एगो कंप्यूटर का छोटा सा फिगर बना जिसमें ये बता दिए थे कि कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस लगा रहता है और किसका क्या क्या नाम होता है। जिनका ये छूट गया होगा, अभी हम छुट्टी के समय दिखा देंगे, आप फोटो ले लीजिएगा और इसी के आगे आज कंटिन्यू शुरुआत करते हैं। तो लिखिए आज का हेडिंग सभी को, आज का शुरुआत है सबसे पहला, यहां से कंप्यूटर का पहला डिफिनेशन चालू होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहां से कंप्यूटर का पहला परिचय, चलिए सभी को ध्यान दीजिए, आज हम लोग कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम लोग पहली बार देखने जा रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर करता क्या है, क्या फायदा है कंप्यूटर से, क्यों आज के समय में हर एक नौकरी पाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किसका हो गया है। आज सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का जॉब, आप कोई भी एरिया में जाइएगा ना तो एक चीज जरूर पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है। कि आज युग ऐसा आ गया है कि कोई भी सेक्टर का जॉब हो, कहीं पे भी काम हो,
तो सबसे पहला जरूरत किसका पड़ता है? कंप्यूटर का। तो बताइए इंट्रोडक्शन मतलब, इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय, कंप्यूटर का हिंदी नाम। हम लोग आज संगणक के बारे में परिचय करने वाले, संगणक के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, सभी कोई सीखे नीचे। द कंप्यूटर, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लिखते जाइए, जिनको स्पेलिंग में दिक्कत होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। Which run on electricity and carries out our instruction and carries out our instruction carries out our instruction carries out our instruction full stop उसी में लिखिएगा। It has a memory. It has a memory to store. It has a memory to store data and information. It has a memory to store data and information. It has a memory to store data and information. Full stop. उसी में लिखिए। Computer work much faster. Then we do computer work much faster than we do. So computer is known as very fast calculating machine. सारा स्पेलिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो कंप्यूटर इज नोन एज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। चलिए बताइए, लिख लिए सभी कोई? यस सर। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, ये सब जो लिखवाए वो क्या है। सबसे पहले बताइए तो कंप्यूटर एक प्रकार का कौन सा मशीन है? कौन मशीन बोलिएगा? जो किसके द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा? सभी को पता है कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता। कंप्यूटर किस पे निर्भर है?
किस पे बोलिएगा? यूजर मतलब समझते हैं? यस सर। कार्यकर्ता, चालक, जो कंप्यूटर को क्या करता है? तो बताइए, कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य है? कंप्यूटर किस पे निर्भर है? यूजर के द्वारा क्या दिया जाता है? कौन वर्ड बोलिए? कौन वर्ड बोलिएगा? और वही इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर क्या करता है? कैरीज। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कैरीज मतलब पालन कर। कैरीज मतलब पालन कर। वर्ड में दिक्कत होगा, लिख सकते हैं कैरीज का मतलब पालन करना, और इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोलिएगा? आदेश या निर्देश। नाम सुने कभी? किसी को आदेश देना, निर्देश देना, उसी का नाम को यहाँ पे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। कौन और बोलिएगा? पूरा मतलब निकालिए, क्या पता है? बताइए तो कंप्यूटर एक कौन सा मशीन है? सभी को बताइए, कंप्यूटर कौन मशीन? तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य है? किस पे निर्भर? यूजर के द्वारा क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश। और वही आदेश का कंप्यूटर क्या करता है? कैरीज मतलब कैरीज मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब कैरीज मतलब मतलब कंप्यूटर हम लोग का आदेश का क्या करता है? हम लोग का आदेश का क्या करता है? एक बताइए, कंप्यूटर के पास खुद का क्या है जिसमें ये क्या करता है? स्टोर मतलब जमा कर। स्टोर मतलब किसको? किसको? डेटा को और डेटा को और जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर क्या करके रखे? स्टोर, जमा करके रखे। डेटा का मतलब है कंप्यूटर में जो चीज इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में जो चीज इनपुट मतलब अंदर की ओर भेजते हैं, अंदर की ओर भेजते हैं। उस अंदर की ओर भेजने वाला का नाम डाटा। क्या बोलिएगा? डाटा। कंप्यूटर से जो बाहर निकलता है उसका नाम इंफॉर्मेशन। बाहर का नाम को कहते हैं आउटपुट। कौन वर्ड बोलिएगा? आउटपुट। उस आउटपुट का नाम को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। फिर बताइए, कंप्यूटर वर्क मच फास्टर। फास्टर मतलब तेज। कंप्यूटर का काम करने का गति, कंप्यूटर का काम करने का हम लोग से कई गुना क्या है? अधिक है, तेज है, फास्ट है। सो मतलब इसीलिए कंप्यूटर इज नॉन एज। कंप्यूटर को जाना जाता है, कंप्यूटर को किस नाम से? वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? yes, सभी को बताइए, कंप्यूटर कौन सा मशीन है? किसके द्वारा? किसके द्वारा? कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य है? इस पे निर्भर। यूजर के द्वारा क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? उसी इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर क्या करता है? कैरीज मतलब कैरीज मतलब कंप्यूटर के पास खुद का क्या है? खुद का क्या है? इसमें ये क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? किसको? किसको? डेटा को और कंप्यूटर का काम करने का गति हम लोग से कई गुना, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर को वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि कंप्यूटर का काम करने का गति, कंप्यूटर का काम करने का गति मानव से कई गुना है, मानव से कई गुना है। समझ में आ रहा है? अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके फिर से। कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉल्व द which is used for solve the arithmetical
एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, सॉल्व द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स That is mathematical problems. Full stop. उसी में लिखिए. In computer system, in computer system, the input, in computer system, the input. Is known as data and output is known as information. And output is known as information. Output is known as information. चलिए बताइए तो सभी को इस पैराग्राफ से पहले पहला वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया? Yes, बताइए तो सभी को कंप्यूटर कौन सा मशीन? किसके द्वारा? कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता। कंप्यूटर फिर बताइए कंप्यूटर के पास खुद का क्या है? मेमोरी। खुद का क्या है? मेमोरी। इसमें वो क्या करता? किसको किसको? कंप्यूटर का काम करने का गति मानव से कई गुना? मानव से कई गुना अधिक है, ज्यादा है। फिर बताइए कंप्यूटर का काम करने का फास्ट वर्किंग स्पीड हम लोग से कई गुना क्या है? इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता है वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग, वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। अब सभी को बताइएगा यहाँ पे एक नया चुगवा लिखवा है, कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर को कौन डिवाइस करते हैं? कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन डिवाइस करते हैं? कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटिंग मतलब क्या बोलिएगा? कैलकुलेशन। कंप्यूटिंग मतलब क्या बोलिएगा? कैलकुलेशन। कंप्यूटिंग मतलब क्या बोलिएगा? कैलकुलेशन। मतलब समझते हैं? कैलकुलेशन मतलब होता है हल कर। कैलकुलेशन मतलब क्या बोलिएगा? हल कर। हल करना मतलब कभी भी किसी भी चीजों को जो सॉल्यूशन करता है, जिसका हल निकालता है, उसी मशीन का नाम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर। तो सभी को बताइए कंप्यूटर कौन डिवाइस है? कंप्यूटर। कंप्यूटिंग मतलब किस प्रकार का? अर्थमेटिकल और अर्थमेटिकल मतलब होता है प्लस माइनस गुना भागा, प्लस माइनस गुना। लॉजिकल मतलब होता है एंड, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या कहलाता है? लॉजिकल। अगर दोनों मिला दे क्या बन गया? करोड़ बन गया। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर दे? मैथ वाला प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर दे? इस सॉल्व करने वाला नाम को क्या कहते हैं? इसीलिए कंप्यूटर को कौन डिवाइस कहते हैं? कंप्यूटर को कौन डिवाइस कहते हैं? कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन डिवाइस बोलिएगा? कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन डिवाइस बोलिएगा? कंप्यूटिंग डिवाइस। सभी को बताइए व्हाट इज कंप्यूटिंग डिवाइस, कुछ समझ में आया? यस सर। बताइए तो कंप्यूटर को कौन डिवाइस बोलिएगा? कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग मतलब क्या करना? यस सर। किस प्रकार का? अर्थमेटिकल और लॉजिकल। अर्थमेटिकल और लॉजिकल वाला सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? मतलब जो मैथ वाला प्रॉब्लम को आसानी से क्या करते हैं? उस मशीन का नाम को क्या कहते हैं? इसीलिए कंप्यूटर को कौन डिवाइस बोला गया? कौन डिवाइस? फिर बताइए इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम
जो चीज इनपुट किया जाए, क्या किया जाए, इनपुट, उस इनपुट वाला नाम को क्या कहते हैं? डाटा। वन वर्ड बोलिए, डाटा। फिर बताइए, जो चीज कंप्यूटर से क्या किया जाए, उस आउटपुट वाला नाम को क्या कहते हैं? इनफॉरमेशन। आउटपुट वाला नाम को क्या कहते हैं? इनफॉरमेशन। याद रहेगा सभी को? बताइए, जो चीज इनपुट करिएगा उसका नाम डाटा, जो चीज आउटपुट करिएगा उसका नाम इनफॉरमेशन। इनफॉरमेशन याद रहेगा? इनपुट वाला का नाम डाटा, आउटपुट वाला नाम इनफॉरमेशन। इनफॉरमेशन समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द कंप्यूटर वर्ड, द कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम the computer word is taken from Greek word that is compute, that is compute. लिखे that is compute, full stop, उसी में लिखे the father name of computer, the father name of computer is Charles Babbage. नाम सुने कभी? Yes, father name of computer is Charles Babbage. Charles Babbage. And mother name of computer, mother name of computer is Lady Ada Lovelace. The mother name of computer is Lady Ada Lovelace. कौन वर्ड बोलिएगा? Lady Ada Lovelace. चलिए अब सभी कोई ध्यान दीजिए, क्या है कंप्यूटर? अब यहां से एक और वर्ड आ गया, बताइए सभी को एक कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। कौन वर्ड? ग्रीक वर्ड। ग्रीक इज अ लैंग्वेज। ग्रीक एक क्या है? लैंग्वेज। कहां का भाषा? ग्रीक। जर्मनी। कहां का? जर्मनी। जर्मनी में एक भाषा यूज होता है जिस भाषा का नाम है ग्रीक। कौन वर्ड बोलिएगा? जर्मनी में इसी को कहते हैं जर्मन लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज बोलिएगा? जर्मन लैंग्वेज में कंप्यूटर का सबसे पहला नाम क्या पड़ा? कंप्यूट। कौन वर्ड पड़ा? कंप्यूट। कंप्यूट से क्या बना? बताइए सभी को, कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड में क्या नाम दिए? कौन वर्ड दिए? बताइए, द फादर नेम ऑफ कंप्यूटर इज? कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर का फादर नेम? कंप्यूटर का मदर नेम? लेडी अडा। कौन वर्ड बोलिएगा? लेडी अडा। बताइए कंप्यूटर का फादर नेम? चार्ल्स। मदर नेम? लेडी अडा।
सीढ़ी अडा लाए। अब बताइए तो पूरे पैराग्राफ में कंप्यूटर का परिचय क्या क्या लिखा है, सबको समझ में आया? सबसे पहला बताइए आज का क्लास में स्टार्टिंग ही क्या किए, नाम से बताइए तो इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय। सभी को बताइए कंप्यूटर कौन सा मशीन, जो किसके द्वारा, किसके द्वारा, कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता, कंप्यूटर किस पे निर्भर है, यूजर के द्वारा क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन। फॉरवर्ड बोलिएगा, इंस्ट्रक्शन मतलब, इंस्ट्रक्शन मतलब वही आदेश का कंप्यूटर क्या करता है, कैरीज मतलब, कैरीज मतलब कंप्यूटर के पास खुद का क्या है जिसमें ये क्या करता है, किसको किसको, डेटा को और इन्फो। फिर बताइए कंप्यूटर का काम करने का गति हम लोग से कई गुना क्या है, इसलिए कंप्यूटर को कहते हैं वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन, वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। फिर बताइए कंप्यूटर कौन सा वर्ड से लिया गया, कंप्यूटर को कौन डिवाइस बोला गया, कंप्यूटिंग का काम क्या करता है, किस प्रकार का कैलकुलेशन, मैथमेटिकल और लॉजिकल, इसको क्या कहते हैं, जो मैथ वाला प्रॉब्लम को आसानी से क्या करते हैं, उस मशीन का नाम कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर को कौन डिवाइस कहते हैं, कौन डिवाइस। फिर बताइए कंप्यूटर में जो चीज इनपुट करते हैं उसका नाम, जो बाहर निकलता है उसका नाम इन्फॉर्मेशन। इनपुट वाला नाम, आउटपुट वाला नाम। कंप्यूटर कौन वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड में पहला नाम कौन वर्ड बोलिए, कंप्यूटर का फादर नेम, मदर नेम एडा। यहाँ तक समझ में आया, अब स्टार्ट कीजिए फिर से इसी के नीचे। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, हेडिंग का नाम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कौन वर्ड बोलिएगा, नाम से बताइए तो एडवांटेज मतलब, एडवांटेज का मतलब लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ, लाभ समझ रहे, बेनिफिट फायदा। आज हर लोग वो चीज ज्यादा यूज करता है जिससे उन लोगों को क्या मिले, फायदा मिले। हर लोग चाहता है मेरे को फायदा हो, चाहे उसके लिए हम इंसान लगाए, मशीन लगाए, क्या लगाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात का होना चाहिए हमको क्या होना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। आज हर एक कंपनी जो विदाउट कंप्यूटर था वो सब आज टेक्नोलॉजी के मुताबिक सब किसका यूज करना चालू कर दिए, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का यूज मात्र से बहुत सारा चीजों का नुकसान होना चालू। जब से ये मशीन कदम रखा है तब से याद कीजिए बेरोजगारी का रेट और क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लोग आलस होते जा रहे हैं। जब ये मशीन नहीं रहता था ना, लोग खुद के मेहनत पे करता था, समय जरूर लगता था लेकिन काम खुद करता था। आज समय जल्दी हो रहा है लेकिन सब किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा हो रहा है। पहले के समय में लोग बीमार कम पड़ते थे, आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारी ही आ गई है, ऐसा कह सकते हैं। पहले लोग देखते होंगे कोई चोट लगा कुछ हुआ तब बीमार होता है, आजकल बहुत लोगों का शिकायत है घर में बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। बैठे रहने से, ज्यादा देर बैठ के काम करने से, ज्यादा देर एक ही जगह वर्क करने से पैर का नसों में दर्द आ गया, शरीर में बहुत ज्यादा आपका एक्टिव नहीं रहा, ये सारा चीज आजकल मशीन से समस्या आ रहा है, इसी का नाम है डिस एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अभी पहले लाभ बताए फिर उसके बाद हानि भी बताए। जो चीज जितना फायदा देगा कहीं ना कहीं वो क्या देगा, नुकसान भी देगा। लेकिन हम लोग मतलब किससे रखते हैं, हम लोग मतलब किससे रखते हैं, नुकसान से कोई मतलब नहीं। तो लिखिए देयर आर
हेडिंग का नाम बना दिया है ना, उसी के नीचे लिखिए देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पहला नंबर स्पीड पहला नंबर क्या बोलिएगा स्पीड नाम से बताइए तो स्पीड मतलब तेज गति या चाल गति चाल समझते हैं कंप्यूटर का काम करने का चाल जो होता है गति होता है वो मानव से कई गुना क्या होता है दूसरा हाई स्टोरेज कैपेसिटी नाम से बताइए तो हाई मतलब स्टोरेज मतलब कैपेसिटी मतलब अधिक मात्रा में रखने का उसी का नाम को क्या कहते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी. नेक्स्ट वन तीसरा एकोरेसी कौन वर्ड बोलिएगा एकोरेसी का मतलब होता है शुद्धित शुद्धित का मतलब सही मानव से गलतियां हो सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी कोई गलती करता नहीं है उसी का नाम को हम लोग क्या कहते हैं एकोरेसी कौन वर्ड बोलिए एकोरेसी अगला मल्टीटास्किंग कौन वर्ड बोलिएगा मल्टीटास्किंग नाम से बताइए तो मल्टीटास्किंग मतलब कुछ समझ में आ रहा मल्टी मतलब एक से अधिक मल्टी मतलब टास्क मतलब काम टास्क मतलब एक से अधिक काम एक समय में करना एक से अधिक काम एक समय में करना उसका नाम को क्या कहते हैं कौन वर्ड बोलिएगा मल्टीटास्किंग पांचवा हाई सिक्योरिटी पांचवा नंबर हाई सिक्योरिटी पांचवा नंबर क्या बोलिएगा हाई सिक्योरिटी कौन वर्ड बोलिएगा हाई सिक्योरिटी नाम से बताइए हाई सिक्योरिटी मतलब हाई मतलब ज्यादा अधिक सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा अधिक सुरक्षा क्या बोलिएगा क्या बोलिएगा अधिक सुरक्षा देने वाला भी काम कौन करता है कौन करता है बताइए कंप्यूटर के कई फायदे में पहला फायदा का नाम पहला फायदा का नाम दूसरा का हाई स्टोरेज तीसरा एक्यूरेसी मतलब शुद्धि एक्यूरेसी मतलब मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से अधिक काम करना एक समय में एक से अधिक काम करना और आखिरी हाई सिक्योरिटी कौन वर्ड बोलिएगा हाई सिक्योरिटी नाम से होता है हाई सिक्योरिटी मतलब अधिक सुरक्षा अधिक सुरक्षा याद रहेगा नहीं तो ग्रहण देंगे नेक्स्ट क्लास में इसका फिर आगे का वर्णन करेंगे.